जो राज्य है उनके आय का सबसे बड़ा स्रोत है वैट, जो पेट्रोल डीजल पर वैट लगाने से प्राप्त होता है। देख रहा था कि कुछ राज्यों में महाराष्ट्र तेलंगाना जैसे राज्य हैं जहाँ पेट्रोल पर करीब 29% वैट है, तेलंगाना में 25% है और डीजल पर राजस्थान में 21.67% टैक्स है जी। तो अगर ये जो केंद्र राज्य की आय का एक सबसे बड़ा स्रोत है ये पेट्रोल डीजल पर से प्राप्त होने वाली जो आय है, और भी हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि करीब पेट्रोल और डीजल से भारत सरकार और राज्य सरकारों को करीब 5.5 लाख करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती है जी। ये कोई राज्य सरकार अपने पॉकेट में नहीं रखती है या केंद्र की सरकार, 5,55,000 करोड़ 2019-20 में केंद्र राज्य दोनों को पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से प्राप्त हुआ था। अब अगर आप सोचिए कि इसको 28% में अगर रख दिया जाए तो आपको अंदाज है कि राजस्व में कितनी कमी आएगी, लगभग 4,10,000 करोड़ रुपया, मैंने 3 लाख करोड़ रुपये के लगभग पेट्रोल में राजस्व की कमी हो जाएगी जी। और उसी प्रकार लगभग 1,10,000 करोड़ रुपया ये डीजल से होने वाले आय में कमी हो जाएगी। इस कोरोना काल में जब केंद्र राज्य दोनों के आय के स्रोत बहुत सीमित हो गए हैं, व्यापार प्रभावित है, उद्योग प्रभावित है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रभावित है, राज्य और केंद्र के राजस्व के अंदर भारी कमी आ गई है, और इस समय अगर टैक्स की दर को और कम कर दिया जाए तब तो जो मुख्य आय का स्रोत है वो तो स्रोत ही बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। और केंद्र हो या राज्य, क्या कोई 4,10,000 करोड़ का एक वर्ष में रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो जाए, बाकी सरकार कैसे चलेगी, सरकार कैसे काम करेगी जी। तो इसलिए देखिए ये संभव नहीं है कि पेट्रोल और डीजल को पर जीएसटी लागू किया जाए।